नगर पालिका गोपेश्वर चमोली में अध्यक्ष पद पर कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने पर पुष्पा पासवान ने विकास की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा, नगर पालिका अध्यक्ष पद पर एक वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने पर उन्हें कई विकास के कार्य नगर क्षेत्र में करवाए, जिसमें उनके द्वारा नगर की स्वच्छता, महिला समूह को स्वरोजगार से जोड़ा, स्ट्रीट लाइटिंग, गोसदन की स्थापना, नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत कूड़ा निस्तारण का कार्य किया गया। नगर में घूमते मवेशियों को लेकर जल्द अलकापुरी में 100 मवेशियों की क्षमता वाला गोसदन का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि शहर के आसपास कूड़े का अंबार देखने को नहीं मिलेगा। इन सब उपलब्धियों के चलते ही उन्हें अध्यक्ष ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। एक वर्ष का कार्यकाल जो मेरा रहा, सबसे पहले सबसे बड़ी उपलब्धि तो मेरी जनता जनार्दन की है, जिनका सहयोग मुझे मिला और नगर पालिका क्षेत्र में काम करने के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी एक जो गौसदन का काम जो मैंने शुरू किया, सबसे पहले गौ सेवा है तो गौ सदन सुचारू रूप से चल रहा है। वो जो अभी हमारा गौ सदन बन रहा है अलकापुरी में, वो एक बड़ा सा गौ सदन बन रहा है। दूसरी उपलब्धि मेरी यहाँ पर गोपेश्वर में पार्किंग की सबसे बड़ी असुविधा थी, तो हमारी मैंने पार्किंग के लिए जो यहाँ पर कर्णप्रयाग टैक्सी स्टैंड पर पार्किंग हमारी बनने जा रही है। दूसरी गोपेश्वर नगर में मेरे से जितना हो सके, जैसे लाइटिंग है और ये ओपन जिम पार्क है और रास्ते हैं, नालियां हैं, इनको सुधारीकरण का काम मैंने एक साल के बीच किया है। मैं सभी नगरवासियों का बहुत बहुत आभारी हूँ।